बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुशबूदार और बदबूदार रूह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी मोमिन की रूह निकलती है और दो फरिश्ते उसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं तो आसमान वाले कहते हैं कि ये पाकीज़ा रूह ज़मीन की तरफ से आई है, अल्लाह ताला तुम पर ए रूह रहमत नाजिल फरमाए। और उस जिस्म पर जिसे रूह आबाद रखती है, फिर उस रूह को अल्लाह अज़्वजल की तरफ ले जाया जाता है। फिर अल्लाह फरमाता है, तुम इसे आखिरी वक्त तक के लिए सिदरतुल मुंतहा ले चलो, जहाँ नेक लोगों की अरवाह हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काफिर की रूह जब निकलती है तो आसमान वाले कहते हैं, खबीस रूह ज़मीन की तरफ से आई है। उसे कहा जाता है, तुम इसे आखिरी वक्त तक के लिए सजीन बदकार लोगों की अरवाह की जगह की तरफ ले जाओ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने काफिर की रूह की सरान बदबू की वजह से अपनी चादर अपनी नाक मुबारक पर रख ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें। मज़ीद इस्लामी वाक़ियात की वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। शुक्रिया।